लो जी बोनाडॉन हमारा ये है देखो जी, और साथ साथ मुर्गी ने भी जंप मार दिया ये देखो, और वो भी कुटकना शुरू हो चुका है। वो देखो दोस्तों बहुत ज्यादा शर्मीले हैं। ये है जी वो बेबी पिजन्स, देखिए आप कितना फर्क आ गया है दोस्तों। और दरवाजे पे ही खड़े हैं। अरे सुबह मैंने इनको अच्छे से खाना खिला दिया था, और ये देखो जी आ गई असील मुर्गी ऑलरेडी बाहर, और मुर्गा भी वहाँ पे। आ जाओ मोरनी। तो ये आ गई है जी मेरे पीछे पीछे, देख सकते हैं जी दोनों के दोनों ये है यहाँ पर। तो यहाँ रख दूं मैं पहले, रुक जा बच्चे। तो ये मिक्स है जी, इसमें खाने को दे देते हैं जी। गोभी के पत्ते हैं इसमें, कुछ पालक हैं, और आप देखेंगे गोभी के जो फ्रेश पत्ते हैं साइडों के, जो फुल गोभी होती है, कुछ मूली के पत्ते हैं इसमें, सारे के सारे मिक्स हैं। तो ये डाल दिए जी अपनी मोरनी को और अपने मुर्गे को। तो देख सकते हैं जी इनकी कंडीशन आप। तो दिन में एक टाइम जो है मैं इनको जो है पत्ते, हरी सब्जियां वगैरह, मतलब हरे पत्ते, पत्तेदार सब्जियां इनको ज़रूर देता हूँ। इससे जो हमारी मुर्गियों में मैंने फ़र्क देखा है जी, तो ये अच्छे से अंडे वगैरह दे रही हैं जो हमारी मुर्गियाँ हैं, प्रॉपर मतलब एग्स पे हैं, ब्रीडिंग अच्छी हो रही है, अंडे अच्छे आ रहे हैं। तो इस चीज़ का मैंने इस चीज़ अपने आप में मतलब देखा है जी इनको देकर। तो आप भी अगर बर्ड्स रखते हैं तो ज़रूर जो है हरा आप भी ज़रूर दें। तो आओ जी बाकियों को भी देते हैं अंदर जाके, धूप काफ़ी तेज़ है आज। और बाकी के हमारे बर्ड्स क्या कर रहे हैं वो देखो जी, मुर्गा कहाँ पहुँच गया, इसको बाहर करते हैं। तो वो चला गया जी बाहर मुर्गा, वो बाहर जा चुका है जी। और देखो जी राजा हमारा कहाँ से निकल रहा है जी। तो राजा जो है इसके नीचे बैठा हुआ था, बाहर घूमता रहा, फिर मैंने जाना था जी बाहर काम से, दीदी माँ के स्कूल जाना था आज। तो मैं जब गया तो इन सबको अच्छे से खाना वगैरह मैंने सुबह खिला दिया था, तो ये चला गया। अभी करीब 11:30 बजे का टाइम हो रहा है जी। तो राजा जी अपने आप आज फर्स्ट टाइम देखा जी अपने खाने में, खुद ही चला गया। और यहाँ पे जो है हमने मुर्गियों को अपने, ये देखो जी तो इसका अलार्म शुरू हो गया, और असील मुर्गी ने कल अंडा दिया था जी, और आज जो है, और हाँ ये देखो जी मैंने ये वाला इनका केज खुला रखा था, क्योंकि मुर्गी आकर अंदर बैठकर अंडा देती है। और ये देखो जी तो हमारी मुर्गी ने दिया है जी, असील ने अंडा दे दिया है, ये देख सकते हैं आप दोस्तों। तो मुर्गी हमारी अभी भी कंटिन्यू अंडे दे रही है, अब देखते हैं जी कब तक जो है हमारी मुर्गी कुड़क होती है और सेवा पे बैठती है, यानी कि चूजे निकालने के लिए बैठती है। अब देखते हैं, जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो जी खोलते हैं छोटी सेना को भी अपनी, चलो भाई आ जाओ। तो इनको काफी कुछ खाने को दिया था सवेरे, काफी कुछ खिला दिया है, तो इनको भी देते हैं जी अब ये। और ये पहुंच गए, ओए एक सेकंड, मैं अंडे को अभी फिलहाल यहीं पर रख देता हूँ। तो इनको मैं देता हूँ जी खाने के लिए जो है ये हरी हरी फ्रेश सब्जियां। तो इनसे सच में दोस्तों फर्क पड़ता है, क्योंकि हम ऑर्गेनिकली जो है मुर्गी पाल रहे हैं। लो एक देखो यहाँ पर ही चढ़कर यहीं खाने लग गई, चल 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 चलो नीचे, मैं वहां पे दे रहा हूँ, ये ऊपर ही चढ़कर आ गए। तो दोस्तों मैं आपसे कह रहा था कि जब हम ऑर्गेनिकली जो मुर्गियां हम पालते हैं अपने घर के, दोस्तों हम जो घर में अपने ऑर्गेनिकली जो हम मुर्गियां हम पाल रहे हैं, तो इसमें ये बेनिफिट रहता है कि जो हम जो कुछ है अच्छा दे रहे हैं इनको खाने के लिए, हमें पता है कि हम इनको क्या दे रहे हैं, और वही जो है अंडे में वो चीज़ें जो हैं जो हम खाते हैं, तो अंडे में भी वो चीज़ें हमारे को मिल पाती है कि हम इनको क्या दे रहे हैं, और वही चीज़ हम। तो ऑर्गेनिकली जो है अंडे काफ़ी अच्छे रहते हैं जी घर के, मतलब जो देसी अंडे होते हैं उनके, बशर्ते दूसरे अंडों के अकॉर्डिंग थोड़ा अच्छे होते हैं खाने के लिए, विटामिन्स मिनरल्स और सारा प्रोटीन वगैरह अच्छी तरह से होता है। तो आप देख सकते हैं जी बाकी हमारी मुर्गियां मज़े से खाना खा रही हैं, यहाँ पे घूम रहे हैं, राजा वहाँ पे बैठा हुआ है जी, सुबह सुबह बाहर था। तो बाकी हमारे जो बेंटम पेयर क्या कर रहा है जी, इनको भी आपसे दिखाता हूँ जी। ये भी खा चुके हैं सुबह, इनको देखेंगे आप, रोटी दी थी खाने के लिए मैंने, और इनके वाले खाने में अंडा नहीं है, ये डरने लग जाता है जी हमारा बोनाडॉन, देखेंगे आप ऐसे बहुत तेज़ है जी लड़ाई के लिए। और साथ साथ ये देखो बाहर आने लग गया, मैं इसको बंद ही कर दूँ नहीं तो फिर से बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों अभी जब ये खा लेंगे अच्छे से हमारी छोटी सेना, तो मैं इनको बंद कर दूंगा, और असील पेयर तो हमारा ऑलरेडी बाहर ही है, तो फिर मैं जो है बेंटम को खोलूंगा और कबूतरों को हम बाहर खोलेंगे जी आज। तो आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है, धूप है, तो थोड़ी देर ये भी अच्छे से घूम लेंगे और धूप सेक लेंगे। चली गई जी अंदर, इनको करते हैं बंद। लो जी तो ये कर दिए हैं बंद। और दोस्तों वो देखो जी नीचे इनका जो आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा शायद, तो ये वाला जो हमने इनके लिए नेस्ट बॉक्स बनाया था, इन्होंने गड़बड़ कर दी, उसको दोबारा तोड़ दिया, फिर एक और नया बना के वापस इसमें मिट्टी डाली है जी। तो अब देखते हैं कितने दिन चलेगा ये, वैसे ही कामयाब नहीं हो पा रहा इनके साथ जो है हमारे। तो आओ जी खोलते हैं अपने बेंटम और बेंटम पेयर को, और साथ साथ जो है जी हमारे कबूतरों को। तो आ जाओ भाई, तो देखते हैं जी। लो जी बोनाडॉन हमारा ये है देखो जी,
और साथ साथ मुर्गी ने भी जंप मार दिया। ये देखो उड़ने में बहुत तेज है दोस्तों, जैसे कबूतर या कोई और बर्ड होते हैं ना, इस तरह इनकी आवाज भी नहीं आती है। वो देखो कितना खुश हो गया जी। तो इसको जो है और मैं हरी सब्जियां जो है लाई हुई पत्ते ये भी दे देता हूँ इनको, और बड़े मजे से खाते हैं जी। मुर्गियां जो है कोई सी भी ब्रीड हो बट जो पत्ते वगैरह हैं बहुत शौक से खाते हैं। और वो देखो वहाँ आप देख रहे होंगे, बाहर दिख रहा हो शायद, मुर्गी यहीं दरवाजे के आसपास ही घूमती रहती है, इधर उधर नहीं जाती है। तो थोड़ी देर इनको खोलूं जी, इनको भी टाइम देना जरूरी है बेचारे, ये पूरा टाइम हमारे बंद रहते हैं अदरवाइज। तो मैं इनको रोज थोड़ा टाइम खोल के अपने सामने अच्छे से घुमा फिरा लेता हूँ। लो जी कबूतरों का भी केज खोल देते हैं। ये लो जी, तो राजा जी यहाँ बैठे हुए हैं जी, और बैठा है सो रहा है, कभी आंखें बंद कर लेता है और कभी खोल देता है जी। ये देखो तो हमारा राजा, आपको कैसा लगता है आप जरूर कमेंट करके बताएं। तो सेंटिनेंट हमारे क्या कर रहे हैं जी, तो ये देखो जी, तो हमारा जोड़ा ये बैठा हुआ है, और उस दिन ये काफी बढ़िया से नहाए थे, और उस दिन मौसम ज्यादा गर्मी थी। आज खैर इतनी ज्यादा है कि धूप तो है पर इतनी ज्यादा गर्मी नहीं है, तो मौसम तो ठीक है अब इनके नहाने लायक। आगे आगे जो है बन जाएगा, तो आगे जाके जी इनके लिए एक बड़ा सा बर्तन रखेंगे जिसमें कबूतर हमारे नहाया करेंगे। ओ देखो जी कबूतर आ रहे हैं ऊपर, वो सामने उड़ने लगे हैं कबूतर, पिछली वाली जो घर में पाले हुए हैं जी कबूतर, ये जो फ्लाइंग पिजन्स है हमारे, उड़ने वाले बाजी वाले जो कबूतर जिनको बोलते हैं। कबूतर हमारे बाहर नहीं आ रहे हैं, तो इनको जो है जी मैं पकड़ के बाहर निकालता हूँ। ये देखो इसको मैं निकालता हूँ पहले, ये देखो जी। तो ये है जी वो बेबी पिजन्स, देखें आप कितना फर्क आ गया दोस्तों, पहले ये बच्चे लगते थे, अब हाथ में पकड़ा काफी बड़ा कबूतर लग रहा है जी देखने में। आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं, आज मैंने कई दिन बाद इनको जो है हाथ में पकड़ाया, तो आज मैं हाथ में पकड़ के ही महसूस हो रहा है। आप गले के पास देखेंगे इसके बहुत जो नए सारे के सारे पर आ चुके हैं, और बड़ा सुंदर ये बच्चा लग रहा है। मैं छोड़ देता हूँ, ये लो जी, तो छोड़ दिया जी इसको, देखो ओ देखो जी दूसरा बड़ा बच्चा आ गया। तो ये लो जी दोनों आ गए हैं, गुटकना शुरू हो चुके हैं जी, और वो भी गुटकना शुरू हो चुका है। वो देखो दोस्तों बहुत ज़्यादा शर्मीले हैं। ये देखो अभी मैं फ़ोन जैसे केयर करूँगा उधर को, तो ये कई बार देख के जो फ़ोन को चुप हो जाते हैं, बट फिलहाल देखेंगे आप तो भी मेल जो है वो गुटक रहा है। वो देखो जी, वो देखो कितना प्यारा लग रहा है ये देखो। तो आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है दोस्तों वीडियोस पे, मैं उस चीज़ के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, मतलब आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, मैं उसके लिए आपका थैंक्स करता हूँ सभी का। तो बाकी ये देखो जी ये गुटकना शुरू है, तो मैं उनको भी बाहर निकाल देता हूँ जी पकड़ के, क्योंकि अपने आप ये मुश्किल ही आ पाएंगे। और ये रही जी फीमेल, मैंने पकड़ ली है फिलहाल, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। और इसके भी आप देखेंगे पैरों पे भी इनके बड़े सुंदर जैसे पर आए हुए हैं। ये देखो जी, ये देखो इन्हीं से इनकी जो है सुंदरता ज़्यादा लगती है। तो ये है जी फीमेल, छोड़ दिया मैंने बाहर, बारी आती है मेल की। वो देखो डर के बैठा हुआ है, आजा आजा। ओ ये लो जी, तो ये रहा जी हमारा ये मेल, इसको भी मैं छोड़ देता हूँ, और आप देखेंगे हमारे सुंदर पेयर को। ये लो जी ये बच्चा ऊपर बैठ गया है हमारा, और देखो जी कैसे खुश हो रहे हैं बाहर निकलते ही हमारे जो सेंटिनेंट पेयर है, और दूसरा ये बैठा हुआ है जी हमारा एक। और इसको मैंने पर कट नहीं किया दोस्तों, क्योंकि ये मेरे हाथ पे भी आपने देखा होगा पहले आ जाता था। और वो देखो कहाँ जा रहा है, कहाँ जा, इसको मैंने, इसके भी आप देखेंगे जी गले पे देखेंगे आप, न्यू पर आ चुके हैं, बहुत सुंदर सुंदर पर आ गए हैं। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, तो ये देखो जी इसको कि इसके ऊपर गले पे कितने सुंदर पर आ चुके हैं। तो ये जी हमारे प्यारे से शहजादे जी, ये देखो ये हाथ पे मेरे ए ए ए मारने लग गया। ये देखो जी, तो ये पुरानी आदत है, हाथ पे इस तरह बैठ जाता है जी, कभी उड़ के कंधे पे बैठ जाता है, और इनके साथ जो है अलग ही लगाव है। लो जी फ्रेश ठंडा पानी लगा दिया है जी ट्रे में इनकी, यानी इनके जो ड्रिंकर में बाल्टी ले आया था मैं पानी की, और यहाँ पे डाल दिया जी, इनके लिए भी रख दिया है। हमारे बैंटम पेयर भी देखो जी मस्त है, धूप तेज है जी, और बढ़िया अपना पानी पी रहे हैं, मजे कर रहे हैं। बाकी के भी आप देखेंगे जी हमारे शहजादे दोनों ऊपर बैठ गए, और बर्ड्स बिल्कुल रिलैक्स हैं, और हमारे जो सेंटिनेंट जोड़ा है कंफर्टेबल है, अब जो है बिल्कुल अच्छे से रिलैक्स हैं हमारे बर्ड्स, आप देख सकते हैं। तो बाहर खोल के जी, तो इस तरह से जो है इनको खुश देख के अच्छा लगता है दोस्तों, तो इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप इनको टाइम दे देता हूँ, बाहर छोड़ देता हूँ, ताकि अच्छे से घूमें फिरें और जो है हमारे बर्ड्स रिलैक्स हो सकें। बाकी छोटी से ना वेट कर रही है अपनी बारी की, पूरा दिन भर खुले रहते हैं, पर उसके बाद भी इनका मन नहीं भरता जी बाहर घूमने फिरने से। और अभी अभी चील गई ऊपर से, तो अभी मैं देख रहा था, अभी अभी निकली। और राजा बाबू हमारे दिन भर सोते हैं, तो वो देखो जी कोने में बैठा हुआ है राजा हमारा जी, ये देखो जी। तो राजा को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, और बढ़िया अपना सोने में लगा हुआ है हमारा राजा। तो बेजुबान जो है बड़े प्यारे होते हैं, बस इनको समझने वाला कोई होना चाहिए, मतलब आप इनको अच्छे से समझते हैं तो ये आपको अपने हिसाब से बता भी देते हैं, अपने बारे में सब कुछ पता लगता रहता है। तो हमारी छोटी सा ना बंद करते ही परेशान जैसी हो गई है जी, ये देखो। तो अभी तक कोई अंडा नहीं दिया, कल जो है जी दो अंडे हमारे को मिले थे इनसे, छोटी सेना से इनके केज में से,
और अभी तक तो फिलहाल कोई अंडा नहीं दिया है। असील मुर्गी ने हमारे अंडा दे दिया है जी, वो देखो। तो ये मैंने अभी फिलहाल इसी में रखा है, जाते हुए मैं ले जाऊंगा। और इन अंडों को मैं जी कलेक्ट कर रहा हूँ, और इन अंडों को जो है जी मैं कलेक्ट कर रहा हूँ असील के और बेंटम के, जो हमारे पेयर के अंडे आ रहे हैं। तो इनको बहुत अच्छे तरीके से हिफाजत से मैंने रखा हुआ है, एक डब्बे में रखा है जी, उसमें अच्छे से प्रॉपर उनके नीचे मैंने रुई वगैरह तूड़ी वगैरह रख के, और उसमें नंबरिंग्स की है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा कितने अंडे हो चुके हैं इनके, और जल्द ही हमारी कौन सी मुर्गी कुड़क होती है तो देखते हैं, और जो है हमारा उसे जो है अंडों में से बच्चे निकालेगी। तो देखते हैं दोस्तों जल्दी क्या होता है। तो ये था जी हमारा दोस्तों आज का व्लॉग, और उम्मीद करता हूँ कि आप सबका शौक अच्छा चल रहा होगा, और आप सभी लोग अपनी अपनी जिंदगियों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मिलते हैं जी एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।